जय जिनेंद्र। दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष प्रसारण में, जहां आप देखेंगे परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से श्री चमलेश्वर पार्श्वनाथ दिगंबर जैन देशनोदय अतिशयकारी तीर्थ क्षेत्र चैनपुरा भीलवाड़ा राजस्थान में विराजमान मूल नायक श्री 1008 देवादिदेव भगवान पार्श्वनाथ का मंगल अभिषेक एवं शांति धारा। साथ ही महाराज श्री ने अपने वचनों के माध्यम से चमलेश्वर वासियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण संदेश दिए, जिससे वह इस स्थल को समस्त तीर्थ स्थलों में सर्वोच्च बना सके। तो बिना विलंब किए आइए आपको श्रवण कराते हैं गुरुवर की वाणी और जानते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या कहा। आज चौरेश्वर क्षेत्र में, देशनोदय क्षेत्र में आज जिस प्रकार का भविष्य मैंने देखा है, वह भविष्य जिस दिन साकार रूप होगा, वो अपने आप में राजस्थान के अथवा भारत का एक सर्वोच्च स्थान बनेगा। जय, क्योंकि बिजोलिया से ज्यादा रमणीक है वो। बिजोलिया में केवल ज्ञान हुआ, मैदान है बिजोलिया में। आज बार बिल्कुल पास में गांव है, चारों तरफ की बस्ती जुटती जा रही है, लेकिन चौलेश्वर में तो आज नहीं कल नहीं, वो तो वन है, वन रहेगा और वन ही था, वहाँ कोई बस्तियाँ आ ही नहीं सकती। तो ये अतिशय घटना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मूर्तियों से पानी का निस्सरण होना आगम सम्मत है। मैंने भी कई मूर्तियों के इस प्रकार के प्रसंग देखे हैं अपनी आँखों से। लोग कहते हैं सफोकेशन है, मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि एक बार कोटा के अंदर हुआ, मंदिर में कोई भी नहीं था, एकदम पुजारी ने मारे ने आके कहा ऐसा हो रहा है। मैंने कहा हो रहा हो, मैं आर चलिया कोट गया, बोले महाराज जी और तेज हो गया। मैंने खुद जाकर के अपने सामने पूरी मूर्ति साफ कराई और उसमें से ऐसी धारा आ रही कि निचोड़ना पड़ रहा है कपड़े को, पूरी मूर्ति के बाहर निमोड़ जो धमा होता ना तसला, निचोड़ते निचोड़ते तसला भर गया। आइए अब सीधे लिए चलते हैं आपको श्री चमलेश्वर पार्श्वनाथ दिगंबर जैन देशनोदय अतिशयकारी तीर्थ क्षेत्र चैनपुरा भीलवाड़ा राजस्थान में विराजमान मूल नायक श्री 1008 देवादिदेव भगवान पार्श्वनाथ का मंगल अभिषेक एवं शांति धारा के भव्य दर्शन कराने। ीं श्रीं क्लीं ऐं अरुं वं वं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं जं जं जीं जीं चीं चीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावै द्रावै नमुरते भगवती श्रीमति पवित्रजलेञ्जिना विसिञ्च्यामिति श्वः। ॐ ब्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरुं वं वं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं जं जं जीं जीं चीं चीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावै द्रावै नमुरतीं भगवती श्रीमते। ॐ ह्रीं क्रों मं पापं खण्डे खण्डे जय जय दहे दय पचे पचे पाचय पाचय। ॐ नमो अरं जं जीं चीं हं सं जं वं राया सा छां छीं छों छें छें छों छों छं छा छीं ह्रां ह्रीं ह्रों ह्रें ह्रें ह्रों ह्रों ह्रं ह्रा द्रां द्रीं द्रावै नमुरते भगवती श्रीमते। ठाठा अस्माकम् आचार्य भगवन् विद्यासागर जी महाराज संगस्ते परम पूज्य जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज संगस्ते प्रथम ओर से अभिषेक शांति धारकर्ता श्रेष्ठ श्रीमान धर्मचंद जी, अभिषेक कुमार जी, पीयूष कुमार जी पाटनी सा परिवार अमल्ला निवासी, द्वितीय तरफ से श्रेष्ठ श्रीमान देवी लाल जी, ओम प्रकाश जी, शुभम मोहित जी अजमेरा बांकरा निवासी, दीपक कुमार जी, दरअसल जी टोंगिया जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जाजपुर वाले कोटा निवासी, श्रेष्ठ श्रीमान राजेंद्र जी, विवेक जी, रत्नबाई जी, आरती सौम्य आदि वाकलीवाल ठेटोड़ी निवासी भीलवाड़ा, राजेंद्र जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्री महेंद्र कुमार जी, डॉक्टर रमेंग जी, कीर्ति जी, सिद्धम जी गोदा आलोद वाले बूंदी का गोठनावासी मोक्षिता जैन, रोग निवारणार्थ हेतु सुश्री स्नेहा पहाड़िया, नीट की परीक्षा में अच्छे अंकों से सफलता हेतु आमली निवासी
देशनोदय अतिसचित्र कमेटी एवं उपस्थित सभी भव्य जनानाम सकल दिगंबर जैन समाज चौखला शरीरस्तो वृद्धिरस्तो तुष्टिरस्तो पुष्टिरस्तो शांतिरस्तो कांतिरस्तो कल्याणमस्तो स्वाहा एवं अस्माकं कार्य सिद्धियार्थं सर्व विघ्न निवारणार्थं श्रीमद् भगवत अरहंत सर्वज्ञ परमेष्ठी परम पवित्राय नमो नमः। अस्माकं श्री शांति भट्टारक पादे पद्म प्रसाद सद्धर्म से बलाय वारोग्यस्वर अभिवृद्धिरस्तो सद्धर्मे सौशिष्य परशिष्य वर्ग प्रसिद्धंतु त्रिलोक महिताय अनंत संसार चक परमदनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखाय पद त्रिलोक वंश कराय सत्य ज्ञानाय सत भ्रमणे दृढ़ फलामंडल मणिताय सियारिका श्रावक श्राविका प्रमुख तो संसर्ग विनाशनाय घाती क्रम छंग्रय अजराय अहवाय अस्माकम समस्त शांति धरकर्ता परिवारस्य व्याधिम गिरंतो व्याधिम गिरंतो व्याधिम गिरंतो सृजनाभिषेक पूजन प्रसाद अस्माकनाम सेवाकनाम सर्वे दोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशे नाम भावेतो। ओम नमो रते भगवते प्रक्षीण से दुष्मसाय देव तेजोमति नमः। श्री शांतिनाथ शांति करय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्वरोग मृत्यु विनाशनाय सर्व प्रकृत क्षुद्र पद विनाशनाय सर्वारिष्ट शांति करय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रमरा अस्या उषा नमः। मम सर्वगुण शांतिं कुरु कुरु मम सर्वतुष्टिं कुरु कुरु मम सर्वपुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा। मम कामं छिन्दे छिन्दे विन्दे रति कामं छिन्दे छिन्दे विन्दे बलि कामं छिन्दे छिन्दे विन्दे क्रोधं पापवैरं च छिन्दे छिन्दे विन्दे अग्नि वायव्यम छिन्दे छिन्दे विन्दे सर्वशत्रुविघ्नं छिन्दे छिन्दे विन्दे सर्वोपसर्गं छिन्दे छिन्दे विन्दे सर्वविघ्नं छिन्दे छिन्दे विन्दे सर्वराज्यव्यम छिन्दे छिन्दे विन्दे सर्वचोदुष्टव्यम छिन्दे छिन्दे विन्दे सर्वसर्पवृश्चिकादिव्यम छिन्दे छिन्दे विन्दे सर्वग्रहव्यम छिन्दे छिन्दे विन्दे सर्वदोषं व्याधं दारं च छिन्दे छिन्दे विन्दे सर्वपरमन्त्रं छिन्दे छिन्दे विन्दे सर्वातिघातं परघातं च छिन्दे छिन्दे विन्दे सर्वसूदरोगं कोक्षिरोगं अक्षिरोगं सर्वरोगं जररोगं च छिन्दे छिन्दे विन्दे सनरमारीं छिन्दे छिन्दे विन्दे सर्वगज असगोमहिष अजमारीं छिन्दे छिन्दे विन्दे सर्वसस्य धान वृक्षलता गोल्म पत्र पुष्प फल मारीं छिन्दे छिन्दे विन्दे सर्वराष्ट्रमारीं छिन्दे छिन्दे विन्दे सर्वकुरुवेतल साकृवियानि छिन्दे छिन्दे विन्दे सर्ववेदनीयं छिन्दे छिन्दे विन्दे सर्वमोहिनीयं छिन्दे छिन्दे विन्दे सर्वास्मारीं छिन्दे छिन्दे विन्दे अस्माकं समस्त शांति धरकर्ता परिवारस्य अशुभ कर्म जन दुखानि छिन्दे छिन्दे विन्दे दुष्ट जन कृतान मन तन दृष्टि मुष्टि छल छिद्र दोषान छिन्दे छिन्दे विन्दे सर्व दुष्ट देव दानव वीर नर नहार सीवनी कर दोषान छिन्दे छिन्दे विन्दे सर्वाष्ट कुली नाग जनित विषव्यानि छिन्दे छिन्दे विन्दे सर्व स्थावर जंगम वृश्चिक सर्पादि कर दोषान छिन्दे छिन्दे विन्दे सर्व सिंहाष्ट पदादि कर दोषान छिन्दे छिन्दे विन्दे पर शत्रु कृत मनो उच्चाटन विदेशन मोहन वशी क्रांति कर दोषान छिन्दे छिन्दे विन्दे। ओम ब्रीम सभ्यम चक्रकम तेज बल स्वर शांतिम पूरे पूरे सर्जीवानंदरम कुरु कुरु सृजानानंदरम कुरु कुरु सर्वभ्यानंदरम कुरु कुरु सर्वगोकुलानंदरम कुरु कुरु सर्वराजानंदरम कुरु कुरु सर्वग्राम नगर खेट करवट मंडप पतंदरों संवानंदरम कुरु कुरु सर्वानंदरम कुरु कुरु स्वाहा। यत् सुखम त्रिलोकेषु व्याधि विसन वर्जितम अव्ययम् क्षेमारोग्यम स्वस्तिरस्तु विदेति श्री शांतिरस्तु तथास्तु श्रीमस्तु तथास्तु जयोस्तु तथास्तु नित्यमारोग्यमस्तु तथास्तु। अस्माकं समस्त शांतिधरकर्ता परिवारस्य समस्त शांतिधर करने वाले देखने वाले बोलने वाले सा परिवारस्य तुष्टिरस्तु तथास्तु पुष्टिरस्तु तथास्तु समृद्धिरस्तु तथास्तु कल्याणमस्तु तथास्तु सुखमस्तु तथास्तु अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु दीर्घेस्तु तथास्तु कुलगोत्रे धनानि सन्तु सद्धर्म शिवलायु आरोग्येश्वर अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु। ओं ब्रीं श्रीं क्लीं ऐं ब्रह्मसिया उषा अनाथ विद्यमो अरिहंतान भ्रम सर्तांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओं ब्रीं श्रीं क्लीं ऐं ब्रह्मसिया उषा अनाथ विद्यमो अरिहंतान भ्रम सर्तांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओं ब्रीं श्रीं क्लीं ऐं
समस्याऊषा अनाथ विद्यमो अरिहंताण भरोम सर शांति कुरु कुरु स्वाहा आयुर्वल्य विलासम सकल सुख फल दृगत्वा स्वल्पम धीरम वीरम शरीरम निरूपम वनत्वा तुनु तुच कृतिम सिद्धिम वृद्धिम समृद्धिम व्रतम तनिष्पिदुचि प्रतापम कांतिम शांतिम समाधिम वितरजुक्तम उत्तम शांति धारा शांति धारा शांति धारा संपूजिकानां लिकानां यती सामाने तपोधनानां दिशसि राष्ट्रसि पुरसि राज्ञा करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र ॐ ब्रीं अष्टप्राध्यार मध्ये छत्र स्थापयामि ओम ब्रीम अष्टप्राध्यार मध्ये चमर्दमि स्थापयामि ओम ब्रीम देशनोदय तीर्थ चौलेश्वर स्थित महा अतिशयकारी देवादिदेव श्री पारसनाथ जिनेन्द्राय अनर के प्राप्ताय अरे गम निर्मामते स्वाहा।